यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तजके, इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखा मैं तो आई जग तजके, इश्क सिखा जब यार करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्हें दिन चढ़े तुम्हें दिन ढले तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें दिन चढ़े तुम्हें दिन ढले तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, एवरी टाइम एवरी मिनट ऑल द डे तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें दिन चढ़े तुम्हें दिन ढले तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, दिल की तख्ती पर हो लिखती इश्का, जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का किसका, दिल की तख्ती पर हो लिखती इश्का इश्का, जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का किसका, लग यार गले निसार मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, तू जीत मेरी जग हार मेरी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, एवरी एवरी टाइम एवरी मिनट ऑल द डे तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं, हाँ एनर्जीज थोड़ी पहले से ठीक है, क्या करें ये तो देखिए ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता ही रहता है। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आज नवरात्रि फाइनल जो नवरात्रि है वो आज है, माँ सिद्धिदात्री का दिन, और बस सब कुछ सिद्ध हो जाए, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए हैं आपकी ज़िंदगी में, और क्या ही चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, लाइक रियली मैटर करते हैं, और मतलब आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना बात कर रहा है हमसे। और हम आपको बताते हैं ना कि जब कोई भी सुनने वाला ना हो ना आपको, आपको ऐसा लगे जब आप बिल्कुल ऐसा महसूस करें कि यार कोई भी नहीं सुनता है आपकी, तब आप हमको याद कीजिएगा, ठीक है। आप बस ये सोच लीजिएगा कि ठीक है मैं नहीं सुन लेगी, तो हाँ हम आपको बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमें मेल करते हैं हमारे मेल पे, जी मेल पे, क्योंकि हम उनकी सुनते हैं और बहुत धीरज से सुनते हैं। जब हमारे पास समय होता है तो बिल्कुल हम सुकून से आप लोगों के मेल पढ़ते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और आप लोगों को पता है कि हम रिप्लाई भी करते हैं। लेकिन ये होता है कि शायद आप जब भेजें उसी इमीडिएट बेसिस पे, इमीडिएट मोमेंट पे हम शायद रिप्लाई नहीं करते हों, और आपको ऐसा लगता हो कि यार शायद मिनी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स जब हमको मेल रिसीव होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली सबके मेल हम एक टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ आपको पता है कि हम रिप्लाई करते हैं, सबका करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे घर के बाहर, वैसे भी आपको पता है बहुत टाइम से चल रहा है, तो भाई 5 मंजिला इमारत बनेगी तो टाइम तो लगेगा ही, तो ये सब हो रहा है कुछ, ठीक है। और इसी बीच में हम रीडिंग करने के लिए आए हैं ऑब्वियसली, और सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री, भगवान करे सब कुछ ठीक हो, माँ सिद्धिदात्री मतलब माता रानी बस सब ठीक करे इस बार नवरात्रि में। चीज़ें जिसकी लाइफ में ठीक हुई हैं बहुत अच्छी बात है, और जिसकी नहीं हुई है वो होपफुल रहिए, आशावादी रहिए कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बोलते हैं हम भी बोलते हैं कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो आज हमने बहुत अच्छे से जो है टेबल पे, आपको कभी कभी जो है धुआं आता हुआ दिखाई देगा वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इंसेंस स्टिक जलाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, बहुत सुकून मिल रहा है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है
गणपति के आगे जो है हमने इंसेंस दिखाया है, थोड़ा अच्छा से ये जला रखा है हमने, ठीक है, इस पर जला है तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्योरिटी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हालांकि दरवाज़ा बंद कर रखा है हमने, ठीक है, तो खैर जो भी है। अरे हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आज नवरात्रि है और आपको पता है कि हमने एक डिस्काउंट वाला ऑफ़र चला रखा है, तो रीडिंग्स अवेलेबल है, आप लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ही आखिरी दिन है, ठीक है, और हम बुकिंग्स ले रहे हैं क्योंकि एज सच हम पे इतना भार नहीं पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, अदरवाइज़ हम खुद ही बुकिंग बंद कर देते, तो हमने टाइमली सबकी रीडिंग्स डिलीवर कर दी है, तो इतना अभी भी प्रेशर नहीं पड़ा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं तो बस आज रात तक ही अवेलेबल है, रात को 12 बजे से पहले आप बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी 555 देखा हमने भाई, 555 देखा हमने, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, कुछ भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो जो भी है कितना रेजिस्ट करोगे, परिवर्तन जब आना है तो वो आएगा ही, कितना 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 रेजिस्ट करोगे यार, कितना रोकोगे आने से, क्या जो भी है। तो जिन लोगों को रीडिंग चाहिए तो 999 में 6 क्वेश्चंस की रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, और बुकिंग के 48 आवर्स के अंदर हम आपको आपकी रीडिंग डिलीवर करेंगे, ठीक है, उससे पहले भी कर सकते हैं, जैसा जैसा हमारे ऊपर भार पड़ता है, जैसा जैसा हमारे ऊपर प्रेशर होगा, जैसा जैसा हमको लगेगा हम कर देंगे, लेकिन हाँ मिनिमम 48 आवर्स का समय लग सकता है, ठीक है। तो 999 में 6 क्वेश्चंस की रीडिंग जिस चीज़ को चाहिए वो प्लीज़ बुक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री रीडिंग तो मिल ही रही है, गाइडेंस के तौर पे तो मिल ही रही है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको लगे तो ही आप रीडिंग बुक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रीडिंग करते हैं, और हम टॉपिक है हमारा फेवरेट रैंडम रीडिंग, क्योंकि हमको ना ये रीडिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। इससे क्या होता है, इससे ना पता चल जाता है कि इर्द गिर्द जो आसपास जीव जंतु और प्राणी हैं, जो आनाकानी कर रहे हैं, जो ज़िंदगी में हम लोगों की जो है जहर घोलते हैं या मिठास घोलते हैं, जो भी है कुछ पता तो चलता है ना, तो ये आप लोगों की एनर्जीज होती हैं जो हमें पता चल जाता है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है एंजल्स का, और शुक्र है इन टैरो कार्ड्स का, जो हमें ये चीज़ें बताने में मदद करते हैं कि आपके नज़दीक, आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में आप हैं, वहाँ क्या चल रहा है, आपसे रिलेटेड ही ये एनर्जीज होती हैं। तो इसलिए ये एक गाइडेंस के तौर पे इसको लिया कीजिए, और टैरो को गाइडेंस के तौर पे ही लिया कीजिए, ठीक है। हम हमेशा से बोलते हैं कि इसको कभी भी अपनी आदत ना बनाएं, लेकिन हमने हमारे चैनल पे हमने कोशिश यही की है कि आपको आदत ना पड़े, एज अ गाइडेंस के तौर पे ही हम ज़्यादातर रैंडम रीडिंग ही लाते हैं, और रैंडम रीडिंग से कम पता चल जाता है कि चीज़ों में क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टैरो डेक हम वही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है नाम, चक्रा विजडम टैरो डेक, ठीक है, टोरी हार्टमैन, हाँ, और ये ऐसा कुछ दिखता है डेक इसका, ये वाला, ठीक है, बहुत कलरफुल सा, यही इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। कुछ समय के लिए हमने ना उस वो डंडे वाले डेक को ना दूर करा है भाई, बड़ा परेशान हो गए थे हम, रोज़ वही वैसे ही एनर्जी आती थी, खुद दुखी हो जाते थे यार। ऐसे ही ज़िंदगी में कम तकलीफें हैं क्या, कि दूसरों को भी जो है ऐसे डंडा पकड़ के खड़ा होता देखते रहे हम, हैं, सॉरी कार्ड गिरने वाला था नीचे बट गिरा नहीं। अरे यार सुकून, इतनी खुशी भाई साहब, इतनी खुशी, पहला कार्ड पता है क्या आया है, सही पकड़े हैं, जजमेंट आया है, पहला कार्ड जजमेंट, नवरात्रि है आज, ठीक है, तो ये रीडिंग ज़रूर देखिएगा, पता नहीं आगे क्या आ रहा है, लेकिन किस बात का जजमेंट है, कैसा जजमेंट है, हम जानना ज़रूर चाहेंगे। अरे यार इतने सारे कार्ड्स, नहीं, दो कार्ड्स गिरे हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरे हैं लगता है लेना पड़ेगा।
फाइनली आप लोग मान गए। एट ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स, स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की प्रोसेस में हैं आप लोग। जजमेंट है ना, आप इस कार्ड में जजमेंट में आपको एक चीज़ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी आप बताइएगा। एंजल तो है ही, वो तो जजमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे एक फीमेल एक है, मेल दो है। लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से फाइनली जो थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो रही है। कोई भी हो सकता है, अगर आपकी ज़िंदगी में जो जो भी प्राणी तीसरा है ना, तीसरा जिसे बोलते हैं आप लोग, अगर कोई भी रिलेशनशिप है, दोस्ती में कोई तीसरा आ रहा है, मम्मी पापा के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, किसी भी फैमिली मेम्बर में कोई तीसरा पर्सन यदि आ रहा है 11-11 देखा हमने, तो ये फाइनली ये रिमूव हो रही है जजमेंट मिलता हुआ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को फाइनली उसको बहुत पॉलिश करने की प्रक्रिया में हैं। अभी आपका ध्यान शायद यही है। क्योंकि आप अपनी पावर में आ गए हैं, फाइनली आप लोग स्टक एनर्जी से बाहर आ गए हैं और सब कुछ आपने छोड़ दिया है, ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि एट ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अपनी शैडो सेल्फ पे आपने काम किया होगा। शैडो सेल्फ क्या होता है बहुत सारे लोग पूछेंगे, वो भी हम बताते हैं। जो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है ना, जो चीज़ आप जिन जिन चीज़ों से आपको भय होता है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वो चीज़ें आपकी शैडो सेल्फ होती है, ठीक है। उस चीज़ पे आपने फाइनली काबू पाया है, ठीक है, तो इसलिए फाइनली आप अपनी पावर में आ रहे हैं। और पावर में आने की वजह से ये देखिए क्या हो रहा है, नाइट ऑफ कप्स। और ये पता है ये वाला नाइट हमें पसंद है पर्सनली, क्यों पसंद है, क्योंकि ये नाइट जो होता है एक ऐसा नाइट होता है जो भरोसे लायक होता है। बेसिकली ये नाइट रिलायबल होता है, क्योंकि आपको पता है हमको नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे और नाइट ऑफ सोर्ड्स पे कतई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो हम हमेशा बोलते हैं जितने सरपट आते हैं ऑन एंड ऑफ ना, उस नाइट का थोड़ी प्लेयर वाइब्स होती है, आना जाना जिंदगी में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो समवन, दिस इज समवन ऑन होम यू कैन रिलाय ऑन। आप इस पर्सन पे कम से कम थोड़ा तो भरोसा भी कर सकते हैं, बहुत लॉयल होता है ये, रिलायबल होता है, भरोसे के काबिल बिल्कुल होता है, ड्यूरेबल भी होता है, टिकाऊ टिकाऊ मतलब लंबे समय तक ये रिलेशनशिप आपका रहता है, मालूम क्यों, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। ऑब्वियसली इस नाइट की जो चाल है और जो गति है, जो एक्शन होता है ना, वो धीरे दुरुस्त तरीके से वन बेबी स्टेप लेते हुए एक एक करके धीरे धीरे आता है। ऐसे तुरंत आया, तुरंत निकल गया, पता भी नहीं चला भाई, एकदम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाइट ऑफ सोर्ड्स आता है। क्या करेंगे आप भाई, इंसान चाहिए हमें, राजधानी एक्सप्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के बाद देखते हैं क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि हीरो एक है, हीरोइन दो है, तो जैसा भी आप रेजोनेट होता वैसा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मेल पर्सन देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई दो फीमेल हो सकती है, और अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो जो आपके पार्टनर की ये हो। अरे क्या बोला हमने, हम खुद कन्फ्यूज़ हो गए यार। नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, दो दो क्वीन है यहाँ पे,
तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एक तो आपकी एनर्जीज है जो इस समय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हमें लग रही है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिव साइड को एनहेंस कर रहा है। शैडो वर्क बहुत ज़्यादा किया है अपने फियर्स पे, अपने फोबियाज पे, एक जीत हासिल करी है आपने, ठीक है। यू हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग फाइनली, ऐसी एनर्जीज हैं जो कि पता नहीं भाई कितने टाइम तक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि बीच बीच में आपको पता है ना हमारी एनर्जी स्लो होती है, रोते धोते रहता है, तो आप लोगों की भी होती होगी ऑब्वियसली। भाई हमारे चैनल पर हो आप लोग, इस चैनल पर, और हम जैसे हैं वैसे ही हमने अपने जैसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया है, वही लोग इस चैनल पर आके जुड़े हैं, तो आप कभी कभी तो रोते धोते होंगे, लेकिन अभी की एनर्जीज क्योंकि अच्छी है तो हमें खुशी है, खुशी है। लेकिन वही है कि कब तक रहेगी एनर्जीज पता नहीं। हम चाहेंगे कि ये ज़िंदगी भर रहे। अरे भूख तो भूगी और कितना भूगे हैं, आगे देखते हैं। भूख तो भूगी और कितना भूगे यार, देखते हैं। लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्स जो है इसके नीचे एक और कार्ड आया है क्या? नहीं नहीं, क्वीन ऑफ सोर्स सिंपल ही एक लौट है यार। ये तो बिल्कुल ऋतिक रोशन की वाइफ लग रही है हमें, सुजैन खान। अच्छा, इसके नीचे आपको दो ब्लैक, नहीं तीन, इनफैक्ट तीन आपको ब्लैक डॉग्स दिखाई दे रहे होंगे। डॉग्स आर ऑल अबाउट लॉयल्टी, ठीक है। डॉग्स आर प्रोटेक्टर्स, ठीक है, गार्ड होते हैं वो, आपको गार्ड करते हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, एक आपके घर को गार्ड करते हैं, एक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। और ये क्वीन ऑफ सोर्स जो है इस समय, ये आपकी भी एनर्जीज लग रही है कहीं ना कहीं, ये दूसरे की ही एनर्जीज है। यहाँ पे तीन प्राणी दोबारा, थ्री ऑफ कप्स आया है, ठीक है, तो थ्री ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। सारे डेक में सब कार्ड्स का थोड़ा सा इमेज अलग होता है और उसकी जो एनर्जीज होती है वो भी काफ़ी अलग होती है। ये किसी की लाइफ में, ये आप नहीं हैं, नहीं आप भी हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहला कार्ड जजमेंट का है ना, तो आप भी हो सकते हैं। ये आप भी हो सकते हैं और आपसे जुड़ा हुआ कोई आपकी एनर्जीज में, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं जिसकी एनर्जीज ऐसी हैं, जिसको कुछ चॉइसेस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, चॉइस लेने में। थ्री ऑफ कप्स चॉइसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपको जो वही बताते हैं जो हमको फील होता है, जो हमको ऐसा लगता है कि हमको बुलवाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को तीन तीन खूबसूरत चीज़ें दी जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा, जैसे कि आपको ये सुनहरे कप दिखाई दे रहे होंगे, बहुत खूबसूरत हैं। कोई तीन पर्सन, कोई तीन ऑप्शन, जैसे करियर हो गया, हेल्थ हो गया, इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल हो गया, या गवर्नमेंट जॉब, या कोई पर्टिकुलर पर्सन, शादी, मतलब कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जिसमें तीन चीज़ों में आपको चूज़ करने में एक दिक्कत हो रही है कि हम क्या चूज़ करेंगे। कोई करियर भी हो सकता है, तीन तीन फील्ड, जैसे किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी कोई कह रहा है कि सीए कर लो, कोई कह रहा है कि आर्मी ज्वाइन कर लो, मतलब एक तरह से एक बहुत ज़्यादा एक वास्ट ऑप्शंस है जिसमें किसी को ऐसा लग रहा है जैसे सबसे बेस्ट कौन सा है, जिसको चुनने में किसी को दिक्कत आ रही है। और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे तीन खूबसूरत सी लेडीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं जिनको आप में और किसी और में शायद चुनने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि किसको चुने, ऐसी एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपकी एनर्जीज ना, फिलहाल आपकी एनर्जीज तो बिल्कुल मतलब ऐसी हो रखी है कि आपको कुछ चुनना नहीं है, आपका मन ही नहीं है। जहाँ चुनाव है आप वहाँ से भाग रहे हैं आप लोग, मतलब ऐसा लग रहा है इसे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है कि यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको कुछ नहीं चुनना है। आपकी एनर्जीज इस समय बिल्कुल एट ऑफ कप्स की है। आगे देखते हैं,
बहुत कुछ है वैसे आपकी ज़िंदगी में करने को और आने को, लेकिन वही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है एक्चुअली। वो होता है ना, कभी कभार होता है, आप कभी कभार सोचते हैं कि हम सिंगिंग भी कर लेते हैं, डांसिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, योगा भी कर लेते हैं, टैरो भी कर लेते हैं और घूमने भी चले जाते हैं, मतलब एक साथ मल्टीटास्किंग में आप इतने कन्फ्यूज हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। इसलिए आपने क्या किया है, आपने सिचुएशन ही छोड़ दिया कि छोड़ो यार कुछ नहीं करना है। तो हाँ ठीक है, सही है, सो जाओ सो जाओ, आपका आपका बिस्तर आपको पुकार रहा होगा। ये टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, कितने आए हैं यहाँ पे, ये दूसरा मेजर अरकाना है, ठीक है, टेम्परेंस सैजिटेरियस और जजमेंट लिब्रा। जो मतलब एक तरह से ना ये जजमेंट ही है, कर्मा ही है जो आपके सामने अब इतने सारे दरवाजे खुल के आपके सामने बिल्कुल बौछार हुई है अपॉर्चुनिटीज़ की, अलग अलग दरवाजे खुल गए हैं और जो लंबे समय से बंद थे वो भी खुल गए हैं और कुछ नए दरवाजे भी खुले हैं, लेकिन आपको आप लोग कन्फ्यूज हैं कि घुसना किसमें है। समझ गया हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी वो सब चीज़ें आई होगी ना, तो शैडो सेल्फ पे आपने इतना काम किया है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आप लोगों में अभी भी है, ये सोचकर कि कहीं गलत चुनाव ना हो, कहीं गलत चूज़ गलत डोर ना चूज़ कर लें और आप वापस से जाके वहीं अंधेरे में खो जाएं। समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज तो डेफिनेटली आई है जहाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ प्लान्स पे एग्जीक्यूट करने में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में एक अंदरूनी ना ऐसा ऐसा हो रहा है आप में कि क्यों हो रहा है भाई, वही होता है, भगवान का नाम लो और कूद जाओ उसमें, जाके घुस जाओ बस। लेकिन हाँ, जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है कि गलत कोई राह ना चूज कर ले वो, है हम समझ रहे हैं। एक तो दूसरी बात हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत सारे, अरे यार इतना चिल्लाने की क्या बात है, हमें समझ नहीं आता यार चिल्लाने की क्या जरूरत है, आप बताओ, हम चिल्ला रहे हैं, हम भी तो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो एक सिनेरियो तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी से एक ऐसा प्राणी जो स्पेशली रिलेशनशिप में बीच में आया था, वो पर्सन, थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का टाइम आ गया है और नवरात्रि में हमने बोला भी था बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी रिमूव होगी। यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, पहले हम जब वो डेक इस्तेमाल करते थे वहाँ पे एम्परर आता रहता था, एम्परर एरीज होता है आपको पता हो तो, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कोई तो फायर साइन आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, फायर साइन, वाकई में इस फायर साइन को बड़ी आग लगी हुई है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की दिलचस्पी भी इस पर्सन को है, और मोस्ट पॉसिबली मोस्ट प्रोबेबली ये नाइट ऑफ कप्स भी यही पर्सन है, ये फायर एनर्जी का हो सकता है ये प्राणी, ठीक है, लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये पर्सन है, ये जो भी पर्सन है इस पर्सन को इस बात का थोड़ा बहुत कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ट्रिगर किया होगा, बहुत विचलित कर देने वाली बातें बोली होगी, आपका दिल ना एकदम ऐसे छील दिया होगा इस पर्सन ने, लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ से धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ जब भी आपको वो बातें याद आती होंगी, तकलीफ़ तो आपको नो डाउट फॉर श्योर होती होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ से उभर रहे हैं और ये पर्सन को इस बात का शायद कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन
कार्मिक वाइब्स आ रही है हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कोई तो बात थी. ये पर्सन अभी ना, इस पर्सन की एनर्जीज पता है कैसी हो रखी हैं. ये पर्सन चाहते हैं पूरी तरीके से कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि इस पर्सन को आपकी तरफ आना ना पड़े और आप खुद इस पर्सन को कांटेक्ट करें. हालांकि नाइट ऑफ कप्स है, हमने बोला आपको नाइट ऑफ कप्स है. ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बट हमें ऐसा ना बहुत स्ट्रांगली लग रहा है. सेजिटेरियस भी ये पर्सन हो सकते हैं, हमने आपको बताया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. लेकिन ये पर्सन ना चाहते हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि आप बस एक बार इनसे बात करें, एक कॉल आ जाए आपका इनको, और ये फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें जो भी आपके बीच में हुआ चीज़ों को. हम थोड़े से कार्ड्स और लेंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्लैरिफाई इस पर्सन को करना है. देखिए, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जो हमको लगता है वो हम आपको बताएंगे ही. सॉरी, कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये वही पर्सन है, हमने आपको बोला ही, इस पर्सन ने आपको आपका दिल छील दिया होगा. ठीक है, आपको ऐसी ऐसी बातें बोली होगी ना, सर आपका जो हार्ट है ना, वो बिल्ली को देखा आपने, बिल्ली को ऐसे ऐसे पंजे मारती है, वो बिल्कुल खुरच देती है वो. इस पर्सन ने आपके दिल पे वो लिटरली स्क्रैच मारे हैं. ठीक है, और वो स्क्रैच इतने बुरी तरीके से, इतने इतने गहरे मारे हैं ना कि अभी तक हील नहीं हुए हैं वो. और अब इस पर्सन को उन्हीं बातों को लेके ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ऐसी एनर्जीज है. लेकिन इस पर्सन को हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर तो इस पर्सन ने आपका दिल छीला है, मतलब जो भी इसने हर्टफुल बातें की है, तो कहते हैं कि एक बार ज़बान से निकल गई बात आप वापस नहीं ले सकते हैं. तो भाई कल जब तुमने ये बातें बोली थी, कल परसों तरसों, जब भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ये बातें जब किसी प्राणी को आप बोल रहे थे, तो क्या आप होशो हवास में नहीं थे कि आप क्या बोल रहे हो किसी पर्सन को? जब आप उसका दिल छील रहे थे, तब आपका ध्यान किधर था जो अब आप रिपेंट करने आ रहे हो? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ना रिपेंटेंस के उससे आ रहा है, मतलब चीज़ों को, मतलब एक अफसोस प्रकट करने के लिए कि भाई ये हुआ था और ऐसा ऐसा हमने किया था. देखते हैं आगे, देखते हैं. तो ठीक से ना एनर्जीज थोड़ी सी पता नहीं चल रहा है. थ्री ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पे, थ्री ऑफ कॉइन्स भी हैं यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स. यहाँ पे तो ऑप्शंस का हमने एक सिनेरियो आपको बता दिया था कि आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग चूज़ करने में थोड़े से परेशान हो रहे हैं, कोई भी करियर वगैरह हमने वो आपको बता दिया. लेकिन यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पर्सन वाली जो एनर्जीज आ रही है ना, उस एनर्जीज में ये थ्री ऑफ कॉइन्स पर्टिकुलर पर्सन जब आपसे बात करेंगे ना, तो एक करियर टाइप, करियर से रिलेटेड कोई बहाना बना के आपसे बात करने आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर तो ये पर्सन, मान लीजिए आप इस पर्सन के साथ जॉब करते थे, या ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्सन करियर से रिलेटेड कोई बात, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है ठीक किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद, तो आपके काम से रिलेटेड ये पर्सन बात करने के लिए एक इनिशिएटिव लेंगे.
बहाना जो होता है ना, बहाने ढूंढ रहे हैं ना ये पर्सन की क्या बात करें। वैसे तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें डायरेक्ट। पता नहीं चल पा रही है हमें, हम इसलिए दो तीन कार्ड और लेंगे क्योंकि ना हमें ना पता नहीं चल पा रहा है कि एनर्जीज मैनिपुलेटिव है कि, क्योंकि जो चीज़ें ग्रैब कर रहे हैं ना वो नाइट ऑफ कप्स की ही एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं हम। वो वॉन्ड्स और सोर्ड्स वाली प्लेयर वाइब्स और क्या बोलते हैं कि ऑन एंड ऑफ वाला नहीं हमसे हो रहा है, लेकिन हमको देखना है कि ये पर्सन के एक्चुअल इंटेंशंस है क्या। अच्छा बात करना चाहते हैं। नहीं 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 सही बोला हमने यार, तभी तो हम नहीं कर रहे ना। हमने आपको बोला ना कि हमको नहीं हो रहा नाइट ऑफ सोर्ड्स और बॉन्ड्स वाली एनर्जीज ग्रैब, वो इसीलिए नहीं हो रही ना। ये नाइट ऑफ कॉइन्स है, वन ऑफ द मोस्ट मतलब रिलायबल लॉयल नाइट्स। कि नाइट ऑफ कप्स आया है भाई आप लोगों की रीडिंग में और नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। देख रहे हैं ना कितना ग्रेसफुल है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे सुस्ती से आराम से चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो हाँ इस पर्सन में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई है भाई। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप इस पर्सन को एक्सपेक्ट करें तो कोई दूसरा भी है। बहुत सारे लोग तो वैसे भी बड़े टाइम से हमें कमेंट करते हैं कि मैम नया पर्सन कब आएगा, न्यू चाहिए हमें, पुराना चाहिए ही नहीं। लेकिन वही है कि आपकी लाइफ में दोनों ही आ रहे हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड पहला कार्ड है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आप मेल हैं फीमेल है जो भी है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो मेल है एक फीमेल है, या फिर दो फीमेल हो सकती है एक मेल हो सकता है, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन हाँ दो प्राणी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। देख लो ये पुरुष है ये, ठीक है, ये इसके बाल नहीं है, ये हुडी लगाई हुई है और ये भी पुरुष है और ये लेडीज है, लेडी है। कहना बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर पर्सन को, जो पर्सन वाली यार हमारे बाल झड़ रहे हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं ना, इस पर्सन को कहना बहुत कुछ है। वैसे आपसे भर भर के बात करनी है इनको आपसे, इनके अभी तक जो भी इनके गले में खिचखिच थी ना वो एक बार में आपके सामने ऐसे या करके अपना पूरा बलगम निकाल देंगे। बचिएगा, देखते हैं। नहीं आई जैसे हमें सच बताएं, मैंने तो लुटी रहने की नहीं आई। दो कार्ड आए हैं, हाई प्रिस्टेस पाइसीज। बहुत सारे लोग आप लोगों में से पाइसीज हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या कोई भी वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन के ही होंगे ज़्यादातर लोग, तभी तो ये दुर्दशा है। वाटर साइन के लोग ना थोड़े से ना बहुत इमोशनल होते हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज हैं। और यहाँ पे टेन ऑफ कॉइन्स है। किसी एक पर्सन को ना, इसी पर्सन की जिसकी बात कर रहे हैं, इस पर्सन को ये रियलाइज, एक बात इस पर्सन को और महसूस हो रही है अभी कि वॉट दे हैव लॉस्ट। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने खोया क्या है, लाइक लिटरली। ऐसा भी है कि कुछ तो इन्होंने, इनको करियर वगैरह कोई फाइनेंशियल लॉस वगैरह कुछ हुआ होगा, या फिर लिटरली आपको खोने का एक बहुत अफसोस है कि अच्छी खासे रिलेशनशिप या अच्छा खासा जो दोस्ती बॉन्ड था वो कैसे ख़राब हुआ है, उस चीज़ का इस पर्सन को अफसोस है। आप तो भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में है इस समय, ठीक है। और लिटरली एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स और है,
डेफिनेटली इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई तो और था जिसके लिए शायद इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। एक रिजेक्शन वाली वाइब्स है ना, तो अब इस पर्सन को भी वो फील हो रहा है कि आपके पास आने के बाद शायद आप एक एक मतलब बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, आप डायरेक्ट रिजेक्ट ही ना कर दें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी ना अभी आप लोग सोर्ड्स की एनर्जीज़ में नहीं, आप वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में, जो पैशनेट बहुत है, क्रिएटिव बहुत है, और सिर्फ अभी अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने शैडो साइड पे बहुत ज़्यादा जिसने वर्क किया हो। लेकिन इस पर्सन को थोड़े से डाउट्स हैं कि आप तो काट के फेंक देंगे एकदम, आप लिटरली आप एंटरटेन नहीं करेंगे। आपकी एनर्जीज वैसे है भी ऐसी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ना आपने छोड़ दिया है, आपने सोचा है कि अरे यार जाओ यार। लेकिन हमने बोला ना ये एनर्जीज कब तक रहेंगी कुछ पता नहीं ना, टेम्पररी होती हैं आपको पता है, परमानेंट तो कोई भी चीज़ नहीं है ना दुनिया में। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। इस पर्टिकुलर पर्सन का किसी ने दिल तोड़ दिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन का किसी ने दिल तोड़ दिया है, ख़त्म है, ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म है। जहाँ कोई हो सकता है इनको इनकी इनके करियर में फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ हो, इनका बिजनेस चौपट हुआ हो, इनको कहीं से निकाल दिया गया हो, इनको जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हो, इनका किसी पर्टिकुलर पर्सन से ब्रेकअप हो गया हो, किसी ने तो इनको इतना नीचा दिखाया है जिसकी वजह से इनका दिल टूट चुका है बहुत बुरी तरीके से ये पर्टिकुलर पर्सन का, इसलिए ये नाइट ऑफ कॉइन्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आए हैं। अब नहीं है सोर्ड्स और बॉन्ड्स की एनर्जीज़ में, अब जेन्युइन इंटेंशंस है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक दोनों पार्टी की होती है, यानी आपकी भी एनर्जीज आई हैं। आपकी एनर्जीज पता है थ्री ऑफ सोर्ड्स में क्या बता रहा है, दोबारा दिल ना टूटे भाई, सिंपल एज दैट। मतलब आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आएंगे तो हमको नहीं करना है बात, क्योंकि हमको दोबारा हर्ट नहीं होना है। आपकी एनर्जी से इस समय सिर्फ और सिर्फ आपने ये सोचा है कि कुछ भी हो हमको दोबारा हर्ट होने का नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है कि छोड़ो, रात गई बात गई, नमस्ते, ठीक है। आप ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप एंटरटेन नहीं करेंगे ज़्यादा, मतलब ठीक है आए हैं बात कर लिए हैं, लाइक लिटरली हमें आप अटैच्ड होते हुए या ओवर इंडल्ज होते हुए या इनके लिए पूरी तरीके से फैल जाते हुए, यानी वही बोलते हैं ना अवेलेबल हर समय, भाई आए हैं तो बड़े मज़े हैं भाई, ज़िंदगी हमारी इसी पर्सन के इर्द गिर्द ही डोल रही है, तो वैसी एनर्जीज में आप नहीं हैं। आए हैं तो नमस्ते, राम राम, टाटा बाय, क्योंकि आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते और ये पर्सन हर्ट हो चुके हैं। अब पता चल रहा है इस पर्सन को कि किसी का दिल छीलने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि अभी इनका दिल किसी ने छीला है ना। और आपकी एनर्जीज ऐसी है, ये अपना बताएंगे कि हाँ हमने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा हुआ है। आप तो बस सिंपल सा बोरोलिन बोरोलिन देंगे उनको और बोलेंगे कि ये लो दिल छिल गया ना, ये लगा लो और यहाँ से जाओ, हम इतना ही कर सकते हैं। होता है ना बेट नो वेट बोरोलिन, आप दे दोगे उसको, बोलोगे लगा लो ये, ठीक है दिल छिल गया ना, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अब हमारे पास ना इतना मरहम है नहीं, ठीक है खरीद, पैसे दे रहे हैं खरीद लेना बाहर से, लगा लो, बहुत हील कर लिया हमने, अभी आप खुद की हीलिंग पे ही फोकस्ड है, किसी और के जख्म भरने का आपको कोई शौक नहीं है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है, आपको यही लग रहा है कि आई विल नॉट एट ऑल एंड अप गेटिंग हर्ट एनी मोर, कुछ भी हो जाए हमको दोबारा हमको हर्ट होने का नहीं है अब तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसी किसी भी चीज़ों में आप अटैच्ड होते हुए ओवर इंडल्ज होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बॉटम जो मतलब बॉटम क्या है, जब कार्ड्स को हमने समेटा है तो हमें ये कार्ड दिखाई दिया है जो कि है 10 ऑफ कॉइन्स, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स है,
आप अभी अपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पे फोकस्ड हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी जिस सिबलिंग्स है, एक अच्छा समय आप बिता रहे होंगे, या आगे का समय ऐसा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिवार पे ही फोकस्ड हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के रिमूव होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हमें दिखाई दिए। अच्छी एनर्जीज आई हैं, वैसे सच देखा जाए तो अच्छी एनर्जीज आई हैं। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर यू ऑल। है पहला कार्ड जब जजमेंट का हो तो सही है ना, अच्छा है। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग, गाइडेंस के तौर पे हमने आपकी रीडिंग करी है, तो जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। किसी की तो एनर्जीज हमने डेफिनेटली ग्रैब की है, तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, बाकी एक जो डिस्काउंट वाला ऑफर चल रहा है वो सिर्फ आज के लिए वैलिड है, तो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद हमें फेंक के मार देना और हम चलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही।